Hello student, warm welcome in JEE Mains NEET Chemistry. Student, this is question probably which is related to whole concept, and question is saying that 5.6 liter of oxygen at NTP is equivalent to how many moles. So student, you know that one mole of any gas, here gas is given oxygen, or we take it as oxygen cover a volume of 22.4 liter. okay, तो एक मोल जो गैस, किसी भी गैस का एक मोल जो होता है वो कवर करता है 22.4 लीटर वॉल्यूम. ओके, और आप ये भी जानते हो कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 10,000 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो हमें उसकी यूज नहीं करना है यहाँ पर. हमारे कंसेप्ट है कि एक मोल गैस का, चाहे वो गैस कोई भी हो, वो कितना ऑक्यूपाई करती है, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, और वो है वॉल्यूम 22.4. यहाँ पर हमें ऑक्सीजन दिया हुआ है कि ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हियर गिवन इज 5.6 लीटर, वाइल वन मोल ऑफ ऑक्सीजन कवर 22.4 लीटर. सो हमें निकालना है, एंड वन मोल कवर 22.4 लीटर. सो हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स विच 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाई. देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विच है वॉल्यूम 5.6. सो 5.6 लीटर अपॉन 22.4 इंटू 1 मोल. ओके, तो 5.6 से 22.4 कट जाएगा हमारा कितने बार, 4 बार, तो हमारा आ जाएगा 1/4 मोल. तो ऑक्सीजन के 1/4 मोल उपस्थित होंगे किसमें, 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन में. ओके, तो ये था आंसर, इसका है सी. स्टूडेंट, इस तरह से हमने किया, ध्यान रखें कि एक मोल गैस में 6.022×10⁻³ मॉलिक्यूल्स, एटम या आयंस हो सकते हैं, और एक मोल जो गैस है वो एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, चाहे वो कोई भी गैस हो. तो इस तरह से हमने इसको किया. आई होप यू गॉट इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.